हंसी आ रही होगी। एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो चश्मा था ना, आज अनीता ने झाड़ू मारते मारते ये नीचे गिरा दिया, और इसके जो दो लेंस हैं ये जेब में रखे हुए हैं। तो आज ऐसे ही ब्लॉग की शुरुआत होगी। चुपली जो बना रखी है अनीता ने बना रखी है। तो है ना दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो चलिए मौसम की बात भी कर लेते हैं। मौसम की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एकदम नीला आसमान है, बाकी सूर्य देव भी यहां पे हैं और कुछ ऐसा नज़ारा है अभी। तो भाई पिताजी जो जा रखे हैं मॉर्निंग वॉक पे, यानी कि घूमने जा रखे हैं, वो जब भी घर आते हैं या शहरों में रहते हैं तो हमेशा मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, और करना भी चाहिए, शरीर के लिए भी फायदेमंद है। बाकी इधर की बात करें तो भाई इधर आ रहा है। हाँ भाई, कहाँ से रू शेरों चला गया? शाबाश, तो तू भी चले जाता। तो ये शेरों को घुमाने यहाँ तक लाया था, इसने सोचा शेरों वफादार होगा, लेकिन शेरों ने इसको मीठी गोली दी, वो भाग गया। तो ये भी सही है। और इधर की बात की जाए तो आज बिंदु भाई बिल्कुल टिबले के अंदर अपना सर रख रखा। ओ भाई, हेलो ब्रो, ओए अबे फंस जाएगा, मर जाएगा आज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। बाकी मधुली हल्का तो थोड़ा ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मत घूर। तो चलिए भाई देखते अभी क्या क्या होता है। बाकी अनीता मेरे को देख रही बार बार, तूने मेरे नाम क्यों दिया? बोल वीडियो में पेपर चल रहे ना, उसके नाम नहीं लेना था। तो चले अब चश्मा हटा देते हैं। तो ये थोड़ा महंगे चश्मे, इनको अंदर रखते संभाल के, बहुत काम आएंगी। ले तो चश्मे अंदर रख, और ये लेंस फेंक दिए काम की नहीं। क्यों नहीं लग जाएंगे? लग जाएंगे, चल ठीक है। बाकी माँ जी देखिए क्या कर रही है। माँ आज खातड़े धोने का मतलब है कि कपड़े को माँ सुखाने डाल रही है। खातड़े बोलते हैं हमारी गढ़वाली में, कपड़े को खातड़े बोलते हैं। तो चलिए अच्छी बात है, धूप भी आ रही है तो कपड़े भी सुखाइए। तो चलिए भी, वैसे तो मैंने दो चाय ऑलरेडी पी ली है, तो तीसरी चाय पिलाएगी? हाँ पक्का, शाबाश। तो चलिए ये तीसरी चाय पिलाने वाली मेरे को। गुड मॉर्निंग पिताजी। बेटा कैसे जा, कहाँ जा रहे थे आज घूमने? मैं थोड़ा सी मॉर्निंग वॉक करने गया था। हाँ, मैंने कहा यहाँ का थोड़े आनंद ले ले। हाँ, प्रकृति का आनंद ही कुछ और है। और ये क्या लाया? ये तो बेटा मैंने सोचा कि चलो जब यहाँ पर आ रखे हैं तो थोड़ी पनीर ले लेते। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, चलिए बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, चलो। अरे वाह, ये कहाँ से आ गया भाई, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया शेरो भाई, ये कहाँ से आ गया? लाट टपक रही इसकी, इसकी लाट टपक रही है। देखो आपने क्या ला रखा इसके लिए, ये लाट टपका रहा है भाई अपनी। तो भाई ये देखिए पिताजी मॉर्निंग वॉक से भी घूम के आ गए, और ये देखिए। अरे वाह, हट हट इसके ऊपर, वो भी एक लाड ला हो गया। देखिए भाई पिताजी ने उसके लिए रस ला रखा है, वो यहाँ पे अब हटेगा ही नहीं। वो चलिए खा। बाकी यहाँ की बात, हाँ जी महारानी बालता बना, थोड़ी चाय बना दे। ठीक है ठीक है, बना बना। इसके भी एक लाड हो गया। अरे हो गया, सारा पैकेट उसी को दोगे आप? अब चलो बढ़िया, ओए खाओ, उधर बैठ जाओ चुपचाप। जब से पिताजी आए तब से बिल्कुल मेरी बात नहीं मान रहा है, इसको पता है कि पिताजी बचाएंगे उसको। मुझे देख के तो उसको डर ही लगता था हमेशा। माँ बस बस हो गया, बहुत हो गया, एक बार बहुत हो गया। ये देखिए यहाँ मैंने इसको बोला नीचे बैठो, फिर पिताजी के पास आ गया, उधर बैठ जा। अरे ये नहीं मानने वाला, आज पिटेगा ही मेरे हाथ से। ओए बहुत हो गया, बहुत, जा उधर बैठ, बैठ उधर। तो चलिए ये भी कुछ दिन तक आराम करेगा, आजकल ठाट पड़े हुए उसके। बाकी अनीता चाय बना दे, कितने बार, तीसरी बार बोल दे मैंने इसको चाय बना दे, अभी तक तीन चाय हो जानी थी मेरी। चलिए भाई अनीता ने फाइनली चाय ला दी, धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। पिता चख लिया आपने चाय? बस पहाड़ी भाई पी लो चाय। हाँ ये सही है बिल्कुल। हम तो आज आज तो पिताजी उत्तरकाशी जा रहे नहीं? मैं आज उत्तरकाशी जाऊंगा, दो चार दिन वहीं रहोगे, अब शादी के बाद ही आओगे? हाँ, तो मैं भी कल या परसों आऊंगा। ठीक है, कल आ जाओ। कल आ गया मैं, कल वो है ना है? जो भी तुमने अपने वो करना, ड्रेसिंग वगैरह जो है। हाँ सही बात, सही बात, सही बात। मेरे आते ही पिताजी ने मेरे को बोल दिया भाई ये दाढ़ी बना तू पहले, मेरे से ज्यादा बूढ़ा तो तू लग रहे। तो चलिए गर्मा गर्म चाय पीते हैं, बाकी आगे का काम देखते हैं। अभी तो लमगांव भी जाना, मैंने थोड़ी देर बाद ना। पिताजी मैं लमगांव जा रहा हूँ, थोड़ा कपड़े लेने। ठीक है ठीक है, डन डन ठीक है। तो चले भाई आज पिताजी बाइक सीखेंगे, पहले उठाने में देखते हैं। सीखो भाई सीखो, आपने बोला बाइक सीखने से बनते। ओहो
वही आगे लाओ जरा उसको, आगे लाओ जरा, आगे लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ। वही है आज बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, इतना बहुत बड़ी बात उठा दिया गाड़ी। गरीब बहुत फंसे कुटा। पिताजी कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। मत पूछो, ये बाबू उठाने में बड़ी दिक्कत हुई। आफत आ गई मेरी इसको। अच्छा, तो भाई पिताजी हमेशा बोलते थे यार तुमने बाइक ली लेकिन मुझे नहीं सिखाया, तो आज पिताजी के पास ये 150 दे दी, पिताजी उसको उठा ही नहीं पाए पहले। तब पिताजी बोल रहे आसूली कैसे लाए तूने, ये तो उठा ही नहीं जा रही पहले। चलिए होता है होता है होता है, लेकिन ये है कि समय समय की बात होती है। कभी पिताजी ने मेरे को कार भी सिखाई थी, आज समय अलग है भाई, उम्र के हिसाब से हर चीज बदलती है, सोच बदलती है, फिर शरीर भी बदल जाता है। निपता है शरीर बहुत ज्यादा बदल रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले बाइक का वजन ऊपर से आपका वजन डबल हो गया ना? डबल हो गया, सही बात है। कुंतल मेरा है, कुंतल दो कुंतल, छह कुंतल पड़ रहा है। चलो ठीक, खड़ी नहीं हो पा रही हूँ बिल्कुल। तो चले आज के बाद पिताजी गाड़ी नहीं सीखेंगे, बताए अब नहीं सीखने हैं? सीखूंगा। सीखोगे? अच्छा, उम्मीद पूरी अभी? बिल्कुल, अभी तो उम्मीद नहीं तोड़ रहा हूँ, अभी सीखूंगा जरूर। चलो ठीक है, सीखेंगे सीखेंगे, सही है सही है। तो भाई दिन की 1:30 बज रही है और पिताजी अभी जा रहे हैं उत्तरकाशी, पिताजी और छोटा भाई उत्तरकाशी जाएंगे, तो जा रहे हो आप? हाँ चल रहे हैं। मैं तो कल आऊंगा, कल आना पक्का। चलो ठीक है ठीक है, हम आज निकल जाते हैं। हाँ हाँ, थोड़ी उधर व्यवस्था देखनी है। ठीक है ठीक 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 ठीक। तो दरअसल परसों मेहंदी है तो इसीलिए पिताजी आज जा रहे हैं, तो वहाँ जो व्यवस्था है उसको भी देखेंगे, क्योंकि शादी में काफी सारा काम होता है। तो छोटा भाई और पिताजी अभी जा रहे हैं, बाकी मैं अभी लमगांव जा रहा हूँ कपड़े लेने, मेरे साथ जा रहे अखिल महाराज। तो ठीक है तब, हैं ठीक है, कल मिलता हूँ। ठीक है, तो भाई मैं कल जाऊँगा, आज थोड़े कपड़े ले लेता हूँ, बाकी माँ जा रही है बांझ के लिए, तो घर में कोई नहीं, खाली अनीता है, तो मेरा रहना घर में काफी जरूरी है। तो चलिए जल्दी शॉपिंग करके आता हूँ थोड़ा लमगांव से। चल ठीक, आराम जाए, चले भाई चल फिर। चलिए फाइनली हम अब मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं लमगांव के। तो भाई अखिल महाराज ने तो यार आधा किलोमीटर पहले उतार दिया, बोल रहा हूँ वहाँ बाइक नहीं लगती, जबकि मैं हमेशा बाइक लगाता हूँ उधर साइड। अरे यार तुम चल पाते हो तो मतलब दूसरे की है हद है यार, कुछ भी यार। वैसे भी ये मेरी जब से मेरी राशि पे लगा है तब से तो राहु समझ रहा हूँ मैं इसको। अरे यार हद है यार, राशि वाला है, यानी कि मुझे पैदल जाना पड़ेगा भाई। और सब ठीक है, लेकिन मार्केट बड़ा कंजेस्टेड है यहाँ बहुत ज्यादा, अगर एक बार गाड़ी फंस गई ना उसके बाद जाम 2-2 घंटे तक। तो भाई फॉर्मल पैंट देख रहे थोड़ा, क्योंकि मेरे को प्लेन ही पसंद है, तो देखते हैं अभी पसंद आती है कि नहीं आती है, भगवान जाने। तो भाई अखिल महाराज पसंद कर रहे हैं मेरे लिए यार, मेरा रिकॉर्ड आया था, जब भी मैं कपड़े लेने गया या कुछ भी लेने जाता हूँ ना, एक दोस्त जरूर ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद पसंद ही नहीं आता, बाकी दोस्तों की पसंद तो मुझे हमेशा अच्छी लगती है। तो भाई साहब ये ब्लेजर दिखा रहे मेरे को, ये तो लड़के वाला लग रहा मेरे का यार, लोग बोलेंगे लड़की कहाँ से आ गया, ये रिजेक्ट क्यों भाई पहाड़ी बहन बोलने जाएंगे। चले पहले पसंद करते हैं, जो पसंद आएगा आपको बताऊंगा, नहीं आएगा मोमोन। भाई साहब यहाँ के जाम से बचा पहले बस। तो भाई साहब वहाँ पसंद नहीं आया कोई, यानी कि वहाँ कपड़े है ही नहीं, भाई साहब बोल रहे आपने लेट कर दी, तो इस वजह से दूसरी दुकान में चलते हैं आप। बाकी भाई यहाँ का जाम तो भगवान जाने कभी नहीं सुधरने वाला। तो भाई साहब वहाँ तो पसंद नहीं आया, अब दूसरी दुकान पे आ रहे थे, देखते हैं पसंद आती कि नहीं आती। तो भाई साहब फाइनली मुझे ये पसंद आया है नॉर्मल, चलिए ले लिया मैंने हाल फिल, बाकी ब्लेजर तो मिला नहीं मेरे को, यही है गाड़ियों का हल्ला। तो अब इसको तो मैंने पसंद कर लिया, इसका अब देखते हैं भाई साहब के साथ बार्गेनिंग करते हैं रेट पे थोड़ा। मान जाए तो उसको घर ले जाएंगे, तो इज्जत से उतार देंगे भाई, और क्या कर सकते क्यों। तो भाई जैसे मैंने कहा कि मैं कपड़े लेने आता हूँ, ना ही मुझे कपड़े पसंद आते हैं, दोस्त को हमेशा साथ लाता हूँ, बाकी रेट भी यही करेगा फिक्स। बाकी भाई साहब कितना बता रहे हैं? 900 बता रहे हैं। तेरा कितना है? 6-3 है। तेरा क्या लास्ट बता अपना? नहीं ठीक,
बताओ भाई साहब, चलो लाइव बताओ अभी कितने का लगाओगे अभी? ये हमारे पहला एक्सपीरियंस है यहाँ आने का, अगर ये हमको रेट बढ़िया लगे तो मैं आपको भी सजेशन करूँगा, बाकी हमें नहीं लगी ठीक तो बाकी आपके पास पैसा ज़्यादा हो तो आ जाना भाई, हम तो गरीब घर से हैं। क्यों भाई साहब? देखो यार, तो चले फाइनली भाई साहब ने हमें खुश होने का मौका दे दिया, तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बाकी अगर ब्लॉग देखना होगा तो परसों आएगा, चैनल का नाम बता दिया। तो चले यार, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ आने का आज, तो दिल खुश हो गया भाई, यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए। ठीक भाई साहब, ठीक है, मजा आ गया यार, तो रेट सही लगे अब। तो देखिए भाई, यहाँ से नीचे उतरना हमको अभी, इतनी ऊंचाई पे आ रखे ना भाई। तो चले भाई, मजा आया, भाई साहब ने अच्छा रेट लगाया, क्यों मान गए थे, ज़्यादा बार्गेनिंग करने का मौका नहीं दिया हमें, तो ऐसे दुकानदारों से हमें काफ़ी मज़ा आता है, यानी कि उनसे सामान लेने में मज़ा आता है, अच्छा लगा। तो चले हम निकलते हैं यहाँ से, ब्लेजर ढूंढते हैं यार, मिल नहीं रहा, यहाँ होगा। तो भाई साहब मिला तो कुछ नहीं, लेकिन ये कि चाय समोसा तो खा लेते कम से कम, एक ही पेट पूजा जरूरी है भाई। जो सामान ढूंढ रहे हो तो नहीं मिल रहा, हाँ लेकिन सब्सक्राइबर तो बहुत मिल रहे हैं। दुकान पे जा रहा हूँ तो लोग बोल रहे हैं आप यूट्यूबर हो, बाकी होटल में आ रखे हैं अभी, ऑर्डर तो करा दिया है, जल्दी जल्दी खाते हो फिर निकलते हैं यहाँ से, ठीक है भाई। हैं तो चलिए भाई, चाय और समोसा भाई भी खा रहा है और अपने भी खाता है, अब खा रहा है, खाना नहीं खाया, बात नहीं खाया, हाँ तो मेरा ये फोन खाया, नाश्ता खाया, खा खा खा, चलिए खाते हैं। और फिर देते टाइम पहले आगे भाग जाएगा, मुझे पता है भाई, सही है। तो भाई साहब पितरों के आशीर्वाद से मैं घर सुरक्षित पहुंच चुका हूं, नहीं तो भाई ने तो एक दो जगह मेरे को तारे गिनवा दिए थे वहां, क्यों भाई आराम चला कर यार, कसम से सर दर्द हो रहा है भाई, हेडेक की गोली खानी पड़ेगी घर में, एक दो जगह बचे हम बाल बाल, काफी रफ चलता है यार ये, बड़े बना सत्तर से यार, हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। देखो भाई दिल खुश हो जाता है जब कोई बड़ा आपको आशीर्वाद देता है और आपको बधाई देता है, तो काफ़ी प्राउड फील होता है और काफ़ी अच्छी बात है, ये सब आप लोगों का प्यार है और आप लोग अपने प्यार को इसी प्रकार बरकरार रखना, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, तभी सबका प्यार मुझे मिलेगा। तो अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार देते रहो यार, लव यू गाइस, ज़्यादा हो गया, चले घर चलते हैं, आ जा जा, सही है हाँ, तेल शेरों खतरा है भाई वहाँ, अरे शेरों का हलवा टन साग बा, चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 हो गया, मिठाई का डब्बा किसने दे रखा, अच्छा मिठाई खा ना, बस नहीं, वो दोस्त अपना। तो देखिए भाई, ये देख रहा है कि इसके गोद में कौन है, इसको बहुत जलन हो रही है, बेटू कहा भाई, तो भाई अपनी बुढ़ी भी आ गया, अ बुढ़ी हाँ शरमारी है, तो चले भाई अखिल महाराज और बुढ़ी चले गए, ठीक है बाय बुढ़ी टाटा तो कर इधर, अरे ये तो झांकी नहीं रही।